रमजान स्पेशल निराली किचन की पहली रेसिपी है शीर कुर्मा, जो एक मुगलई ट्रेडिशनल रिच डेजर्ट है। शीर कुर्मा मतलब, शीर का मतलब होता है दूध और कुर्मा मतलब खजूर, जो कि शीर कुर्मा के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ईद में विशेष तौर पर बनाई जाती है। इसके अलावा इसमें सेवैया, घी, शक्कर, ड्राई फ्रूट, केसर और इलायची का भी यूज किया जाता है, जो बनने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले शीर कुर्मा। ईद स्पेशल शीर कुर्मा बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1.5 लीटर दूध लिया। 1.5 लीटर दूध को उबाल कर 1 लीटर किया। अब इसे हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। अब इसे उबलने रखेंगे। 1.5 लीटर दूध को उबालते उबालते हमने 1 लीटर किया हुआ है पहले से ही, और इसे फिर से उबलने रखे। जितनी देर में ये बॉईल होगा उतनी देर में हम सेवैया से खजूर को पहले से ही पानी में भिगाकर और उसकी गुठलियां अलग कर लीजिए, और यदि आप उसे पहले से थोड़े से दूध में उबाल कर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, खीर के फटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। अब डालेंगे केक। और रोस्टेड ड्राई फ्रूट, जिसे हमने सेक के पहले से ही रखे हुए हैं।
तो इस तरह से तैयार हुआ शीर कुर्मा।